अस्सलाम वालेकुम। श्रीलंका में दूसरी सुबह का आगाज करेंगे हम कैंडी से। हम जिस होटल में रुके थे इसका नाम था 92 विला। सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब है, यहाँ से बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सब बहुत करीब हैं। मैं जब बुकिंग कर रहा था तो मेरी प्रेफरेंस यही थी कि रेलवे और बस स्टेशन के करीब करीब होटल हों ताकि ट्रैवल आसान हो। तो यहाँ पर रुके, होटल बहुत ही शानदार है। ये कैंडी का मेन रोड है, इसके बिल्कुल ऊपर है, ईजी एक्सेस है। बस से तकरीबन 150 इंडियन श्रीलंकन रुपीज़ लिए और मैं इधर आ गया। तो मैंने ये बुक किया था $6.50 में, जो 1300 श्रीलंकन रुपीज़ बने तकरीबन। रात काफ़ी लेट सोया क्योंकि जो हमारे इंडियन दोस्त हैं कबीर और मोहित, उससे काफ़ी बातें होती रहीं और उसके बाद सोया, लेट ही उठे। अभी तकरीबन 10 बजने वाले हैं, प्लानिंग अभी निकल के करेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। ये होटल ज़रा आपको दिखा दूँ, वेल फर्निश्ड है, क्लीन वॉशरूम, कमरे सब कुछ बहुत ही शानदार है। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे था, शेयरिंग वाला रूम था लेकिन मैं अकेला ही था। तो जब आप बुकिंग करें तो आप ऐसा देख लिया कीजिए कि शेयरिंग वाला रूम आपको मिल जाए, तो वो सस्ते में पड़ता है। तो तकरीबन 1300 में पर नाइट मैंने यहाँ पे स्टे किया। तो प्लान बना है यहाँ से तकरीबन कोई 18 किलोमीटर दूर अम्बोला टावर जाने का, और उसके लिए हमने बुक कर ली है एक कैब। इसमें बैठ के मेरे साथ इंडियन दोस्त भी हैं, तो ये डिस्टेंस तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ तक अम्बोला टावर जाने के लिए अभी हमें यहाँ पे एक रिक्शा बाय करना पड़ेगा। इस रिक्शे में हम टॉप तक जाएंगे। यहाँ से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर है टॉप का रास्ता, तो पैदल नहीं जा सकते। रिक्शा वाले भाई साहब ने हम 1000 रुपये लिए हैं, ये हमें लेके भी जाएंगे और वापस भी लेके आएंगे, तो हम डिवाइड कर लेंगे, तीनों को 350 रुपये आ जाएंगे, तो ये भी मुनासिब है। और इसकी टिकट जो है वो आगे बता रहे हैं कि 500 रुपये इसकी टिकट भी है। ये भाई यहाँ पर टिकट काउंटर है, 500 रुपये फी बंदे के हिसाब से टिकट लेके फिर आप टावर की जानिब जा सकते हो। रिक्शा वाला भाई यहाँ पे कोई करतब नहीं दिखा रहा, बल्कि ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि उसको जिग जैग होके चलना पड़ रहा है। स्ट्रेट पोजीशन में रिक्शा ऊपर नहीं जा पाएगा। हम थोड़ा सा लेट पहुँचे लेकिन एक सीन तो यहाँ मिल ही गया। फाइनली हम अम्बोला टावर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये है, लोग ऊपर तक जा रहे हैं, हमें यहाँ पे जाना है। रिक्शा कर लिया, बहुत अच्छा किया। कबीर कह रहा था कि पैदल चलते हैं, लेकिन थैंक गॉड कि हमने इसके साथ नहीं गए, रिक्शा किया और टिकट ली, और अब यहाँ से ऊपर टावर की जानिब जाते हैं। यार व्यू बड़ा शानदार, इधर से दूर दूर तक हरियाली और बड़ी दूर तक आपकी नज़र जाती है। यहाँ पर लोकल्स बहुत ज़्यादा हैं। कबीर क्या लगता है, ये कोई इनकी सेक्रेट प्लेस भी होगी आई थिंक, जो लोकल्स बहुत आ रहे हैं? हाँ, प्रॉब्ली वीकेंड है, सैटरडे है, एंड लोकल्स को भी एंजॉय करने का मन रहता है। लाइक हम अपनी कंट्री में जाते हैं घूमने, जैसे ये अपने अपने देखने आए हैं। और बहुत ठंडी प्लेस है यार, मज़ा आ गया। गर्मी देख के तो ना पसीने छूटे हुए थे। अभी आपको शानदार व्यू देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आप अभी यहाँ पे अभी मजा आने वाला है। अच्छा, अभी मजा आने वाला है, व्यू देखिए आप, अभी मजा आने वाला है। यस, चलो ठीक है, कोई और व्यू देखते हैं तो वो आपको दिखाएंगे। और कबीर बिल्कुल ठीक बोल रहा था, क्योंकि इसके बाद जो नज़ारा हमारी आंखों ने देखा उसके बाद कुछ याद ही ना रहा। पीछे सिटी और जंगल, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। डरता क्यों है? ले इधर आ, रुक जा, दे रहा, रुक जा, रुक जा। तुम नहीं, ओह माय गॉड,
इस टावर के ऊपर जाने के लिए रास्ता इस कमरे से है। इस कमरे से होते हुए हम सीढ़ियाँ चढ़ के इस टावर के ऊपर जाएंगे घूमते हुए। अच्छा, हम वहाँ से भी वैसे आ सकते थे, लेकिन मैंने देखा कि तमाम लोग इस तरह से यहाँ घूम के जा रहे थे, हालांकि दरवाजे के करीब वो वाला है। यहाँ टिकट निकालो, टिकट दिखानी पड़ेगी यहाँ के। नहीं, टिकट्स यहाँ पे भी है टिकट। हेलो सर, फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया। 100 रुपीज़। ओके, 100 रुपीज़। ये 300 देंगे। ये कुछ इस तरह की टिकट्स हैं जो 100 रुपए की मिली, ये लेके फिर आप इसके ऊपर जा सकते हैं। एक ख़ास ऊंचाई के बाद इस टावर पे ऊपर जाने की सीढ़ियां बाहर की तरफ चली जाती हैं, और ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सीढ़ियां बहुत तंग होंगी, हवा बहुत तेज़ होगी। जगह जगह पकड़ने के लिए उन्होंने रॉड भी लगा रखे हैं, और यहां पे तेज़ हवा, और नीचे देखें तो बहुत ही चक्कर आने लगते हैं। बहुत ही डेंजरस था, लेकिन बहुत अमेजिंग सफ़र भी था। लिहाजा हम ऊपर तक गए, और ऊपर जाके तेज़ और ठंडी हवा इतना मज़ा देती है कि मत पूछिए। ये तमाम वीडियोस जो आप देखेंगे ये बिल्कुल ओरिजिनल हैं, कोई एडिटिंग नहीं। हवा, हम क्या फील कर रहे थे, मौसम कैसा था, लोग, रास्ते, सब ओरिजिनल है, एडिट नहीं किया ताकि आप भी लुत्फ ले सकें। Can we go up? Can we go up? No. Okay. Idhar aaye bhai. टावर का हो गया एंड, और बहुत मज़ा आया, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा और ठंडी थी कि मुझे लगा कि सर पे कोई कैप वगैरह गर्म लेके आनी चाहिए, लेकिन ना भी लेके आए गुजारा होता है। बहुत स्केरी था, जब टॉप पे जाते हैं तो इतने तंग रास्ते और नीचे देखना, चक्कर भी आते हैं, तो बहुत मज़ा आया। अब चलते हैं वहाँ पर। मोहित कोई नहीं कर रहा इस वक्त, सांप का हमने कोई शो देखना था, वो इस वक्त नहीं कर रहा। देखते हैं, शायद कुछ लोग आ जाए तो वो दोबारा से करेगा। तो यहाँ पे ऊपर तो हम आए थे रिक्शा में, तो फिर सोचा कि बहुत सारे लोग यार पैदल नीचे जा रहे हैं, हमने सोचा कि रिक्शा की बजाय पैदल ही जाना चाहिए, ये इतना मुश्किल नहीं होगा। सफ़र है थोड़ा सा, लेकिन बड़ा कंफर्टेबली आप नीचे जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपके जिस्म में जान है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पैदल नीचे उतर के हम ठीक उसी जगह पहुंच गए जहां कैब ने हमें ड्रॉप किया था। अब यहां से दो ऑप्शंस हैं, एक तो रिक्शा या फिर कैब बुक करो, और दोनों सूरतों में आपके तकरीबन कोई 2000 रुपये तो लगेंगे। हमने कहा कि बजट भी थोड़ा सा नीचे ले आएं और इन्जॉयमेंट भी हो जाए, तो बेहतर है कि बस से वापस कैंडी चलते हैं। इस स्टॉप से रिक्शा ले कर 4 किलोमीटर दूर हम बस स्टेशन पहुँचे, जहाँ पर हमने वापस कैंडी के लिए बस पकड़ी। हम नीचे टाउन में आए हैं, यहाँ से कैंडी के लिए बस मिलेगी, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक समोसा दुकान देखी, उसमें ये वेजिटेबल समोसा है, दाल से बनी कोई चीज़ है, ये चटनी और ये केचप दिया है। मैंने कहा थोड़ी सी कोई चीज़ खा लेते हैं, खाना आगे जाके कैंडी में खा लें। खाना खाने के बाद यहाँ करीब ही एक दुकान से नारियल का पानी पिया, और नारियल भी खाया जो बहुत ही मुलायम और नरम था, सिर्फ 70 रुपये में।
ये थोड़ा सा मीठा और हैवी लग रहा है, हेल्दी। यम 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 यम। अच्छा, इसको पानी पीने के बाद इसको इस तरह से तोड़वा के अंदर से गिरी खाई भी जा सकती है, बल्कि लोग खाते हैं। तो नारियल है वो बहुत ही यमी होता है, जो होता है ये आपने वाइट वाइट खाना होता है। इस बस में सवार होके हम कैंडी वापस पहुंचे और अब वक्त था कबीर और मोहित को अलविदा कहने का, क्योंकि मैंने आज जाना था नुवारा एलिया। नुवारा एलिया के लिए भी मैंने बस ही पकड़ी और मैं तमाम देखने वालों से ये कहूंगा कि जब श्रीलंका में आएं तो आपकी तरजीह होनी चाहिए रेलवे। अगर रेल नहीं है तो फिर आप बस को तरजीह दें, क्योंकि ये बहुत ही आरामदेह और बहुत सस्ता सफ़र है। कैंडी पहुँच के मैंने एक ज्वेलर शॉप से डॉलर्स एक्सचेंज करवाने थे, उसके बाद मैं वहाँ गया, फिरता फिराता काफ़ी जगहें घूमता भी रहा और शाम के वक्त मैं नुवारा एलिया के लिए बस में बैठा और फिर पहुँच गया नुवारा एलिया, जो बहुत ही खूबसूरत और ठंडा मकाम है। उसकी वीडियोस और उसकी स्टोरीज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत चाय के बागात और ऐसे तारीखी और अननाउन प्लेसेस पे भी गया जो आम तौर पे सयाह नहीं जा पाते। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जो कि है नुवारा एलिया के मुतालिक। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़े रहिए और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का।